हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं ये कच्चे आम की चटनी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी सामग्री बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया है। तो ये मैंने कच्चा आम एक ये लेके इसे मैंने धुल के अच्छे तरीके से इसे पील करके फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। और यहाँ पे लगभग ये 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, आधा इंच अदरक लिया है जिसे भी धुल के रख लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और यहाँ पे ये पुदीना की पत्तियाँ ली हैं। ये मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पुदीना की पत्ती ली है। गर्मियों में ये आम की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। ये 2 मिनट चुटकियों में हम इसे बना सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये सारी सामग्री लेके हम ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक चम्मच ये सेंधा नमक लेके इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है और इसे लेके अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसका एकदम ये फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। चटनी में हमें ये पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, चटनी में पानी नहीं पड़ता है। तो बस हमें सिंपली लेके इसे बस ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसे मैंने 2 बोल में ट्रांसफर कर लिया है। एक बोल में मैं प्लेन चटनी रखूंगी और एक बोल में हम तड़का लगाएंगे। देखिए, ये 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये वेजिटेबल ऑयल लिया है, इसे हम गर्म होने देंगे। तो देखिए, तेल को हम गर्म होने देंगे। इसमें ये 1/2 टीस्पून मैंने ये राई डाली है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे, स्प्लैटर होने देंगे। स्प्लैटर हो रहा है, इसे में हम 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा तेल जब ठंडा हो जाए तो यहाँ पे मैंने ये 1/2 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये लेके हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। तेल को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है ताकि ये लाल मिर्च इसमें जलने न पाए। यही तड़का लेके हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए, ये पुदीने की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो एक बोल में मैंने ये प्लेन चटनी रखी है और एक बोल में ये तड़के वाली चटनी रखी है। जिसको तड़के वाली पसंद है वो तड़के वाली खाए और जिसको प्लेन पसंद है वो प्लेन खाए। तो इस भीषण गर्मी से बचाव रखने के लिए आप ये चटनी घर पे जरूर बनाइए। ये पेट की गर्मी से राहत इससे मिलती है, चटनी से। प्लस ये गर्मी में बहुत फायदा करता है। ये पुदीना कच्चा आम लू से बचाता है हमें। तो आप इसे जरूर घर पे ट्राई करिएगा, आई बेट आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।